वेलकम बैक टू माय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब मेरे YouTube फैमिली के परिवार का हिस्सा है दोस्तों, और आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया जानकारी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि यदि बढ़ते हुए वजन से परेशान है, वजन को कम करना चाहते हैं, पेट बहुत ज्यादा बाहर निकल चुका है, बेली फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप अपने वजन को घटा सकते हैं बहुत आसानी से बिना किसी डाइटिंग के। या ऐसा नहीं कि आपको भूखे रहना है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। चार पांच टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों। वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक से हमें कुछ भी ऐसे नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा कुछ पैसे मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। बस आपके लाइक करने से हम लोग मोटिवेट होते हैं, इनकरेज होते हैं और नए नए वीडियोस बनाने का और आप लोगों के लिए लाने का मन करता है। तो सबसे पहले टिप्स जो है मेरी दोस्तों, दिन में 12 से 15 ग्लास भरकर पानी पिए। ऐसा नहीं कि इतना सा पानी आपने पिया, पूरा ग्लास भरकर आपको पानी पीना है, 12 से 15 ग्लास पानी पीना है। और अभी जब ठंड का मौसम आने ही वाला है, सबसे पहले सुबह उठकर आपको गर्म पानी पीना है। सुबह के समय तो गर्म पानी ही पीना है। दिन भर आप भले नॉर्मल पानी पिए या बीच में आपका मन है तो आप पी सकते हैं हल्का गुनगुना पानी। सुबह के समय अच्छा तेज गर्म, इतना गर्म जितना आप लोग चाय कॉफी पीते हैं, सिप ले लेकर पिए। उस पानी में कभी आप लोग चाहें तो दो लौंग डाल सकते हैं, कभी आप चाहें चेंज करके ले, कभी आप चाहें तो मेथी के बीज चुटकी भर डाल सकते हैं। पानी को अच्छी तरह से उबाल लें, छान लें, फिर सिप ले लेकर पिए। आधे घंटे बाद, एक घंटे के बाद आप लोग चाय कॉफी पी सकते हैं। कोशिश करें चाय कॉफी पिए दोस्तों, तो खूब ज्यादा दूध वाली चाय ना बनाएं, खूब ज्यादा शक्कर वाली चाय ना बनाएं। थोड़ी मीठी चाय या थोड़ा सा मीठी कॉफी पीने का मन है तो उसमें आप थोड़ा सा गुड़ डालें। शक्कर खाना तो बिल्कुल बंद कर दें। करके देखें आप, 10 दिन करके देखें, आपको अंतर पता चलेगा। मैंने खुद ने अभी अपना वजन बहुत ही अच्छे से कम किया है, बिल्कुल हेल्दी तरीके से वजन किया है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र होती है दोस्तों और हम लोग बहुत ज्यादा वजन को घटाते हैं तो इससे हमें ज्वाइंट पेन होने लगता है, चाहे घुटनों में दर्द की बात करें, चाहे कमर दर्द की बात करें या फिर गर्दन दर्द की बात करें। तो हेल्दी तरीके से वजन को घटाने के लिए ये टिप्स जो दी है मैंने आपको, एक तो पानी पीने की दी, दूसरा मैंने आपको दिया सुबह उठकर आपको गर्म पानी पीना है। कभी छोटा सा अदरक का टुकड़ा डालकर उबाल लें उस पानी को, कभी मेथी का बीज, कभी दो तेज पत्ता डाल के उबाल सकते हैं, कभी सौंफ, एक चम्मच सौंफ डाल के पानी को बॉईल करें, या फिर आप चाहें तो कभी एक गिलास पानी में एक चम्मच जीरा डालकर रात भर उस पानी को ढक कर रखें। सुबह उठकर जीरे वाले पानी को आपको बॉईल करना है, छानना है और फिर आराम से बैठकर सिप ले लेकर पीना है। इससे क्या होगा, रात भर में आपके शरीर में जो गंदगी जमी हुई है दोस्तों, आपके शरीर में जो फैट जमा हुआ है वो गर्म पानी पीने से तेजी से पिघलता है, फैट पिघलता है और तेजी से फैट बर्न होती है। चर्बी को घटाने के लिए आपको इस वेट लॉस ड्रिंक को जरूर पीना है, सुबह पीना है, खाली पेट पीना है फ्रेश होने के बाद। आप चाहें वजन कम नहीं हो रहा तो एक वेइंग मशीन जरूर खरीद कर लेकर आए, मात्र 200-300 रुपीज में वजन घटाने वाली, जो वजन नापने वाली जो मशीन आती है वो आ जाती है, उससे हम लोग बहुत इनकरेज होते हैं। जैसे मैं भी रोज सुबह उठती हूँ, फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं अपना वजन लेती हूँ, गर्म पानी पीने से पहले लेना है, गर्म पानी पीने के बाद नहीं तो वजन बढ़ा हुआ आएगा। तो फ्रेश हुई है सुबह उठकर, सबसे पहले वजन लीजिए तो आपका 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसे ही करके वजन घटेगा। ये ना सोचें कि एक दिन में एक किलो वजन घटेगा, 50 ग्राम भी जब वजन घटता है ना तो हमें इतनी खुशी होती है और हम बहुत उत्साहित होते हैं और फिर हम चाहते हैं कि अब हम रेगुलर रहें इस चीज़ में और वजन को घटाएं। मैंने खुद ने इसी तरीके से अपना वजन किया है। अभी अभी बीच में 2 महीने पहले की बात है, 73 वजन था मेरा और मुझे खुद को लगने लगा कि सब कपड़े मुझे टाइट होने लगे, मुझे लगा मैंने, क्योंकि अभी बीच में कुछ दिन ध्यान नहीं दिया था दोस्तों। वजन घटाने के बाद ऐसा नहीं कि एक बार घट गया तो आपका वजन हमेशा वैसा ही रहेगा, यदि आपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा तो वजन वापस बढ़ने लगेगा। मतलब हमें अपने वजन को मेंटेन करके रखना है ताकि हमारा वजन बिल्कुल स्थिर रहे। तो 73 से आज मेरा वजन 65 करीब है, 65 को छूने लगा है। मैं रोज सुबह वेइंग मशीन में चेक करती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसी तरह से मैंने वजन कम किया है। वेट लॉस ड्रिंक लेती हूँ सुबह उठकर, मैंने कई वीडियो में बताया, पानी मैं बहुत पीती हूँ,
12 से 15 ग्लास से ऊपर भी मैं कभी कभी पानी पी लेती हूँ। पानी इतना पीना चाहिए। हरे धनिए की चटनी जरूर खाना, जितना हो सके कच्ची चीजों को खाएं। फ्रूट्स खाना है नहीं है, जरूरी नहीं कि बहुत महंगे फल आप खाएंगे। एप्पल नहीं ले पा रहे हैं कोई बात नहीं, एक केला ले सकते हैं आप। आप चाहें तो एक नाशपाती, अभी आ रही हैं जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं, नहीं ले पाते हैं तो कोई बात नहीं। मैं खुद भी सैलेड बहुत ज़्यादा खाती हूँ, जैसे टमाटर होता है 2 से 3 लाल पके हुए टमाटर, बहुत सस्ते हैं, 15-20 रुपए किलो है टमाटर, ज़्यादा महंगे नहीं है। तो 3 टमाटर सुबह लंच में लेती हूँ, 3 टमाटर मैं डिनर में भी लेती हूँ, बारीक बारीक काटे। नमक कम से कम डालें, ये ना सोचे खूब नमक वाला बनाए, मैं चुटकी भर नमक डालती हूँ उसमें। खूब सारा मैं उसमें बारीक कटा हरा धनिया, कुकुम्बर या फिर ओनियन, आप लोग खाते हैं आप लोग ओनियन भी डाल सकते हैं। खीरा जरूर डालें अगर है तो, नहीं है तो किसी दिन गाजर है तो एक गाजर, ज़्यादा गाजर कच्चा ना खाएं, नहीं तो कई बार लूज मोशन होता है, तो एक छोटा सा गाजर का टुकड़ा भी काट के। तो रोटी केवल एक खाती हूँ क्योंकि सलाद इतना सारा रहता है कि पेट भर जाता है। साथ ही साथ दाल, कोई सी भी दाल कोशिश करें छिलके वाली दाल हो, ज़्यादा अच्छा है। अरहर की दाल खाने से मैंने देखा है कि मैंने खुद ने मुझे ऐसा लगा कि मेरा वजन बढ़ता है अरहर की दाल खाने से। मूंग की छिलके वाली, खड़ी मूंग, उड़द एक कटोरी डाल लें। खूब दाल को स्पाइसी ना बनाएं, खूब तेल मसाले से नहीं बघारना है, सिर्फ जीरे से बघारें। थोड़े दिन सादा खाना खा के देखें, आपको खुद को अंतर महसूस होगा कि आप आसानी से अपने वजन को घटा पाएं और आपको बहुत खुशी होगी। तो इस तरह से सुबह मैं लेती हूँ। पहले तो मैं बहुत अच्छा नाश्ता करती थी, मैंने नाश्ता करना थोड़ा अवॉइड किया है क्योंकि उसी से मुझे बहुत तेज़ी से फ़र्क पड़ा है कि मैंने अपने वज़न को आसानी से कम किया है। आप चाय पी सकते हैं, मैं खुद भी दिन में 2 बार चाय पीती हूँ, कई बार मैं 3 बार भी चाय पी लेती हूँ, पर बिना शक्कर की पीती हूँ। शक्कर की जगह मैं गुड़ का इस्तेमाल करती हूँ। गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, खून की कमी को दूर करता है, हमें एनीमिक होने से बचाता है, साथ ही साथ हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे जैसे हमारी उम्र होती है, बढ़ती हुई उम्र में ज्वाइंट पेन होना, गठिया अर्थराइटिस की परेशानी होना एक साधारण सी बात है, और जब हड्डियों में दर्द होता है या फिर हमारे घुटनों में सूजन आ जाती है दोस्तों, तब तो हमें बहुत हेल्दी चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। तो मैं खुद भी 55-56 ईयर की हूँ और मुझे भी घुटने में तकलीफ़ की बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसे भी मैंने क्योर किया है। कैल्शियम युक्त चीज़ें मैं नियम से लेती हूँ, 1 चम्मच तिल खाएं। ये सारी चीज़ें क्या होती, मखाना खाएं, बहुत से वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे, मैंने मखाना छिलके वाले चने के वीडियो शेयर किए हैं कि किस तरह से उन्हें बनाकर डब्बे में रखें। रोज़ शाम को 4-5 बजे जब पेट खाली होता है और उस समय हम कुछ भी खा लेते हैं, उस समय हमें जो मिलता है कचौरी समोसा, जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं अगर सामने आती हैं तो हम लोग सब भूल जाते हैं और खा लेते हैं, उस समय आपको ये पहले से खा लेना है। अगर ग्रीन टी पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं पी सकते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास ग्रीन टी नहीं है तो हम लेकर आएँ। तो अब उसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारी शादी वाली चाय पत्ती आती ना, ब्लैक टी पिए, शादी वाली चाय पत्ती को 1 चम्मच ले, 1 बड़े ग्लास पानी ले, अच्छी तरह से उसको उबाल ले, छान ले और उस चाय को पिए। ब्लैक टी भी या ब्लैक कॉफ़ी भी हमारे वजन को बहुत तेज़ी से घटाती है। ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए भी पानी में 1/2 चम्मच कॉफ़ी डाल लें या उबलते हुए पानी में 1/2 चम्मच कॉफ़ी डालें और उसे पिए, ये हो गई ब्लैक कॉफ़ी। आप चाहें ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी में ना दूध डालना है, ना शक्कर डालना है, ना उस चाय को मीठी करना है। यदि आप चाहें लेमन सूट करता है तो आप 1/2 नींबू का रस भी डाल सकते हैं ब्लैक टी में, ब्लैक कॉफ़ी में, परंतु मैं तो लेमन नहीं डालती दोस्तों, मुझे लेमन ज़्यादा सूट नहीं करता है, उसे मुझे थोड़ा जॉइंट पेन ज़्यादा होता है तो कई बार मैं लेमन स्किप करती हूँ। तो ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी 4-5 बजे लें, 4-3 बजे जब भी आपकी मर्जी है लंच कर लें पहले। उसके बाद 4-5 बजे के करीब बहुत जब भूख का टाइम रहता है दोस्तों, तब मखाने चने तैयार करके रखें। कैसे तैयार करना वीडियो मिल जाएगा। मखाने में भरपूर मात्रा में फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है मखाना, हमारे चेहरे पर चमक आती है, एंटी एजिंग का काम करता है दोस्तों, आप कह सकते हैं लंबे समय तक उम्र का पता नहीं चलता है। मैं खुद भी मखाना खाती हूँ दोस्तों, और छिलके वाले चने का इस्तेमाल करना बहुत सस्ता आता है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको खूब महंगे फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स बोले, कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप हो सके तो लंच में आप 1 कटोरी दही जरूर लें दोस्तों, लंच में लेना है। शाम के बाद, शाम के 5 बजे के बाद दही का रायता, दही, ये खट्टी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। लंच में 1 कटोरी दही लें। जब भी दही लें हमेशा ये देखें कि दही फ्रेश है कि नहीं, ताज़े दही का ही इस्तेमाल करना, बासी दही नहीं खाना है। आप चाहें तो रात को जमाने रख दें, सुबह उठते साथ उसे फ्रीज में रख दें, जैसे जम जाता है इतने घंटे में तो फ्रीज में रखें, नहीं तो खट्टा हो जाएगा दही।
जब आप लंच करने बैठें, 1 बजे 2 बजे जब भी आप लोग लंच करते हैं, दही को खाएं। दही में थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल सकते हैं, मैं तो नहीं डालती हूँ, जीरा जरूर डालती हूँ, खूब सारा जीरा पाउडर डाल सकते हैं आप, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। तो जो भी चीज़ खाएं पूरे समय इस बात के का ध्यान रखें कि ये चीज़ हेल्दी है कि नहीं, हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। आप लंबे समय तक स्वस्थ भी रहेंगे और बहुत आसानी से आप अपने वज़न को घटा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब रात को आप लोग डिनर करते हैं ना, तो डिनर भी खूब हैवी नहीं लेना चाहिए। जैसे आप 8-9 बजे जब भी करते हैं, मैं खुद भी 9 बजे डिनर करती हूँ, अपने वीडियोस के पूरे काम करने के बाद ही मैं कर पाती हूँ, तभी मुझे टाइम मिलता है डिनर करने का। वैसे डिनर तो जल्दी किया जाता है, तो डिनर बहुत ज़्यादा हैवी ना लें, कोशिश करें 1 चपाती। सलाद तो आपको खाना ही खाना है, सैलेड दोनों टाइम खाना है आपको, हरे धनिए की चटनी सैलेड ये तो कंपलसरी है आपके लिए। 1 चपाती, कोई भी सब्जी बनाएं बिना तेल मसाले की, जैसे कभी कभी मैं लौकी खूब सारी बनाती हूँ, कद्दू बनाती हूँ, पम्पकिन बनाती हूँ अपने लिए, तो इस तरह से भी आप डिनर में ये चीज़ें ले सकते हैं और आसानी से आप अपने वजन को घटा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? यदि इस तरह के वीडियो आप लोग मुझसे चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियो शेयर करूं दोस्तों, तो मैं आपके लिए जल्दी ही एक अगला वीडियो लेकर आती हूं, परंतु इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा कि आप इस तरह के वीडियोस लेकर आएं। आपको ये वीडियोस अच्छा लगा तो ही मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाऊंगी, बिल्कुल रियल चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें।